हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूँ स्टैंडर्ड 8 का जनरल साइंस लेसन नंबर 9 डिजास्टर मैनेजमेंट। इस लेसन की एक्सरसाइज लेकर तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन प्रेस करो। तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग इन योर ओन वर्ड्स। उसमें ए है, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूअस रेन्स एंड लैंडस्लाइड, गिव रीजंस। Answer, due to continuous rain in a region, the plants and the small trees of that region are uprooted from the soil. The water enters the crack and fissures present in hard rock, causing their weathering. Due to these factors, soil and rock run off on a slopy region. This running of soil rocks along with other debris is nothing but landslide. Hence, there is a strong relation between continuous rains and landslide. Reason hai, landslide occurs as a result of major natural disaster such as earthquakes, heavy rains, storms, floods, etc. It causes soil erosion due to massive felling of trees. Excavation to build roads in mountain gorges weakens the mountains and collapse the stones next to them. Question B hai, prepare a chart showing does and doesn't at the time of earthquake. अर्थक्वेक का टाइम अगर हम घर पे है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। स्टैंड स्टिल नियर द कॉर्नर ऑफ द हाउस एंड सीट अंडर द टेबल और एनी वुडन फर्नीचर। कट ऑफ द पावर सप्लाई एट द टाइम ऑफ एन अर्थक्वेक। क्या नहीं करना चाहिए, डो नॉट रन हेयर एंड देयर एंड क्रिएट शोज। डो नॉट स्टैंड बिलो हेवी ऑब्जेक्ट सच एज वॉल क्रैक्स, डेकोरेशन पीसेस, फोटो फ्रेम्स एक्सेट्रा। इन अ व्हीकल और आउटसाइड द हाउस, अगर हम व्हीकल पे है और आउट घर से आउटसाइड है तो हमें क्या करना चाहिए, पार्क द कार इन एन ओपन एरिया एंड सीट इनसाइड इट। फाइंड एन ओपन एरिया अवे फ्रॉम टॉल बिल्डिंग्स, ट्रीज और इलेक्ट्रिक पोल्स। डू नॉट स्टैंड नियर टॉल बिल्डिंग्स, ट्रीज और इलेक्ट्रिक पोल्स। क्वेश्चन सी है, व्हाट आर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ एन अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स। आंसर, अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स हैज द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। इट इज कंस्ट्रक्टेड एज पर IS 456 द कोड ऑफ कंडक्ट गिवन फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस बाय इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस कंस्ट्रक्शन आर परफॉर्म एज पर IS 1893 विच गिव्स द क्राइटेरिया फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन स्ट्रक्चर। द कंस्ट्रक्शन ऑल्सो फॉलो द कोड IS 13920 विच गिव्स डक्टाइल डेलिंग ऑफ रेनफोर्स कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू सिस्मिक फोर्सेस। डी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड। आंसर, इफेक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड आर रिवर्स चेंज देयर कोर्स ऑफ फ्लो, फॉर्मेशन ऑफ आर्टिफिशियल वाटर रिजर्वायर्स। हग ट्रैफिक इज बिल्ड इन द अफेक्टेड एरिया, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। क्वेश्चन ई है, Is there any relations between dam and earthquake? Explain. Answer, the construction of dams create a hug water reservoir in which a large portion of land is submerged. Thus, these dams causes excess water pressure in the micro cracks and fissures in the ground near or under the reservoir. Due to this excess pressure, the water seeps into ground and lubricates the rocks,
इन द वर्स्ट सिनारियो व्हेन द वाटर प्रेशर इज वेरी हाई द वाटर रीच द फॉल्ट प्लांट्स एंड लुब्रिकेट्स देम दिस लुब्रिकेशन रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन द टेक्टोनिक plates thereby causing the slipping of plates over one another hence in this way dams construction can trigger an earthquake. Question number 2 है give scientific reason उसमें एक question है it is safer to find shelter under things like a bed table at the time of earthquake. Answer when earthquake takes place Due to the vibration in the earth's surface, there is possibility of the roof and walls of the house to fall. This collapse can cause severe head injury, which can be fatal. Thus, one must take shelter below the hard supporting structure, such as bed or table. This precaution can save one's life. क्वेश्चन बी है इन मानसून डोंट टेक शेल्टर नियर हिल साइड आंसर द एक्सेसिव रेनफॉल कैन कॉज लैंडस्लाइड द सॉइल एंड रॉक्स फ्रॉम द हिल साइड कैन बी पुश्ड डाउन अलोंग विद द फ्लो ऑफ रेन वाटर दिस डेब्रीज स्लाइड टू लोअर हाइट्स फ्रॉम द हिल्स This explains us that taking shelter near the base of the hillside can be disastrous as one can be buried it in the debris due to sudden landslide. Therefore, in monsoon, one should not take shelter near hillside. Question C. Don't use lifts at the time of earthquake. Answer. During an earthquake, the power supplies are cut off and you may get stuck in the elevator for a long time. Also, if the intensity of earthquake is very high, there is chance of lift can falling to the bottom causing you serve damage. But this is very rare, so it is advised not to use lift at the time of earthquake. Question D है The foundation of earthquake proof building is separated from the other land. Answer The surface of earth trembles at the time of earthquake. These tremors cause seismic wave which are responsible for the movements of the earth surface. The ground thus shakes or it goes up down. These shocks and waves form in the interior of earth spread on the surface in all direction. This layer absorbs the pressure exerted by the earthquake. Tremors on the slide wall of the building. Due to this, the building does not shake with the same intensity as the earth is shaking. This cause collapse of the building and other structure on the land. To prevent such a disaster, the foundation of earth's quake-proof building is separated from lower land. Question 3 hai, if a crowd gathered at the place of earthquake, what should be the difficulties in relief work? Answer, after an earthquake, If there is a crowd of people around, it will be difficult to carry out rescue work there. Ambulance or disaster response personnel will not be able to reach the accident site. People who need it will not get help. Question 4 hai. Make a list of the institute and organization who provide help for disaster management. Collect more information about their work. Answer International government organization working for disaster management are First, the United Nations and its organization, the Food and Agriculture Organization of the UN, FAO. It gives early warning of impending food crisis and keep track of global food supply problems. National Disaster Response
फोर्स NDRF द मल्टी डिसिप्लिनरी मल्टी स्किल्ड High tech force of the NDMA are capable of dealing with all type of natural and man-made disasters. The third is the World Food Program WFP. It is the main supplier of relief food aid. Fourth one, the World Health Organization. It gives global public health leadership by setting standards, monitoring health trends and providing direction on emergency health issues, whose role is to reduce avoidable loss of life and the burden of disease and disability. National Disaster Management Authority, NDMA. It laid down the policies, plans and guidelines for disaster management to ensure timely an effective response to disasters. Question number 5. Make a survey of your school according to the plan of disaster management and write the point-wise information. Answer. This is an activity-based question. Kindly do it yourself, but make sure to involve the following points in your survey. Primary information of school. It should include information such as name, address of the school and headmaster, total number of school staffs and name and phone numbers of school management members. तो ये activity student को करनी है, पर इसमें एक बहुत ही important information आपको लिखनी है. आपके survey के point में school का नाम आना चाहिए, school का address आना चाहिए, school के headmaster का name, टोटल नंबर ऑफ स्कूल स्टाफ्स आने चाहिए, फोन नंबर्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट मेंबर्स आने चाहिए. ओके, आफ्टर दैट स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट कमिटी गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ मेंबर्स इन्वॉल्व इन डिजास्टर मैनेजमेंट कमिटी. स्कूल में डिजास्टर मैनेजमेंट कमिटी में कौन कौन इन्वॉल्व है, कितने मेंबर्स है, ये इंफॉर्मेशन आपको लेनी है. थर्ड पॉइंट, डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट स्कूल बिल्डिंग्स. स्कूल बिल्डिंग की डिटेल इंफॉर्मेशन आपको थर्ड पॉइंट में लिखनी है. नोट द मेंबर ऑफ रूम्स, इसमें आपको स्कूल में कितने रूम्स है वो नोट करने हैं, क्लासरूम्स नोट करने हैं, एज ऑफ बिल्डिंग्स क्या है, बिल्डिंग का एज क्या है वो नोट करना है, टाइप ऑफ रूम्स अंडर दिस पॉइंट. ओके, ये सभी नोट करना है. फोर्थ नंबर में डेली रूटीन ऑफ स्कूल, स्कूल का डेली रूटीन क्या है, मीन्स वॉट. It should include information like working time of school, school का working time कितने hours का रहता है, lunch break time for the school, ये सभी mention करना है. After that, five number, possible hazards in the school. क्या क्या possible hazards है school में वो आपको यहाँ पे note करना है. five number point में it should information such as record of past disaster happened in school, current planning for overcoming disaster. पास्ट रिकॉर्ड है क्या, स्कूल में कभी डिजास्टर हैपन हुआ है क्या, और डिजास्टर ओवरकमिंग के लिए क्या क्या प्लान्स किए गए हैं, ये भी हम आपको फाइव नंबर पॉइंट में राइट करने हैं. डिजास्टर मैनेजमेंट मैप ऑफ स्कूल, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या मैप है स्कूल में, ये आपको यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन आपको सिक्स नंबर पॉइंट में लिखनी है. इट शुड हैव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल बिल्डिंग्स ऑफ स्कूल, एंट्रेंसेस एंड एग्जिट गेट, प्लेस ऑफ प्रोटेबल डेंजर, सेफर प्लेस एट द टाइम ऑफ डिजास्टर. सेफर प्लेस कहाँ पे है डिजास्टर के टाइम, ये सभी आपको सिक्स नंबर पॉइंट में मेंशन करना है. क्वेश्चन सिक्स, आर देयर एनी पॉसिबल प्लेसेस ऑफ लैंडस्लाइड इन योर एरिया, करेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सपर्ट्स. आंसर, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट अवर एरिया does not contain big mountain around us and the changes of landslide are minimal. Furthermore, the rainfall is also very scarce and there is no history of seismic point in the area. So the possibility of landslide in the area is very minimal. Question 7. With the help of following picture, explain your role in the disaster management. ये picture देखकर आपको disaster management में
क्या रोल है ये आपको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये लड़का रिस्क में है। आंसर, इट सीम्स लाइक द पर्सन टेक्स्टिंग अस दैट ही इज एट रिस्क, सिंस द टाइप ऑफ रिस्क और डिजास्टर इज नॉट मेंशन, वी कैन मेक पॉसिबल गेसेस एंड गिव हिम फॉलोइंग सपोर्ट्स। फर्स्ट ऑफ टेल हिम टू क्लेम डाउन एंड आस्क हिम व्हाट टाइप ऑफ रिस्क इज द फेसिंग एंड हिज लोकेशन, वो कौन सी रिस्क में है, उसका लोकेशन क्या है, ये पहले पूछना होगा। इफ ही हैज फेस मैन मेड क्लाइमिटीज लाइक थीफ अबडक्शन एंड देन कॉल नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, गिव द पुलिस हिज पिक्चर फोन नंबर्स एड्रेस एंड अदर डिटेल सो दैट दे कैन ट्रैक हिम डाउन, वी शुड ऑल्सो ट्राई टू रीच द प्लेस As soon as possible. If he has faced some road accident, then call the ambulance and police to reach there as soon as possible. We should be also there as soon as possible to give him support. In case of fire, call the fire brigade, ambulance and police, giving them all the information and urge them to reach there as early as possible. वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।